दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। श्री देवी सिंह जी कछावा के विरुद्ध आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने और जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोला और उनको उनके खिलाफ जो अनियमितताएं चली आ रही है, इसके अलावा जो श्रीनगर पंचायत समिति में ओम प्रकाश मुंद्रीवाल एक शिक्षक के द्वारा महिला शिक्षिका मंजू अजमेरा के साथ अश्लील हरकतें छेड़छाड़ का मुकदमा था, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि जो अपराधी है ओम प्रकाश मुंद्रीवाल उसको उपकृत करके उसको अच्छी जगह पोस्टिंग दी गई है और उस महिला जिसके साथ अभद्रता हुई, जिसके साथ अश्लीलता हुई, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई उसको और उसके जो अध्यापक नंदकिशोर जोशी था जिसने उस महिला का साथ दिया उसको दंडित किया गया और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर उसका स्थानांतरण कर दिया गया। बार बार में शिष्टमंडल कांग्रेस का उनसे मिलने गया, उसके बावजूद भी देवी सिंह जी कछावा के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके अलावा उनकी खुद की पत्नी जो कि भीलवाड़ा पोस्टेड है उसको उन्होंने उपकृत करते हुए अजमेर में डेपुटेशन में पिछले 1.5 साल से लगा रखा है और कोई शासन प्रशासन नहीं है, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जब कांग्रेस का शिष्टमंडल उनसे मिलने जाता है तो धक्के देके बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं मेरी अप्रोच बहुत ऊपर तक है, चाहे से आप शिक्षा मंत्री के पास जाए, चाहे से आप मुख्यमंत्री के पास जाए, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे भ्रष्ट और बेकार अधिकारी को यहाँ से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। रवि शर्मा, सचिव शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर। शिक्षा अधिकारी अजमेर श्री देवी सिंह ने अजमेर में बड़ी तानाशाही मचा रखी है। वह अपने स्वविवेक से जिसको ठीक समझता है उसे लाभान्वित करता है, वो ड्यूटी पर नहीं भी आते हैं तो उनकी बैक गेट में महीने महीने भर के हस्ताक्षर करा लेते हैं और जो ड्यूटी पर आते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। उसकी हठधर्मिता यहाँ तक है कि कोई अध्यापक अगर किसी चीज़ से प्रताड़ित है, परेशान है तो अपने वरिष्ठतम अधिकारी के पास शिकायत लेके जाता है, लेकिन वरिष्ठतम अधिकारी उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करा देते हैं तो कहाँ का प्रजातंत्र है, न्याय लेने आदमी कहाँ जाएगा। तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी श्री देवी सिंह के खिलाफ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत, माननीय शिक्षा मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, उसको जिला कलेक्टर के माध्यम से उनके पास भेज रहे हैं। उसमें हमारी मांग है कि इन मामलों की विभागीय और मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए और इनके खिलाफ इनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, जांच चलने तक इन्हें निलंबित करके दुरुस्त स्थान पर रखा जाए ताकि जांच को प्रभावित ना करें। आपका नाम बता दीजिए। प्रताप सिंह यादव, उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी।